जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दोस्तों, ये चौपाई तो आप सभी ने कई जगह सुनी होगी। आज का उपाय बताने से पहले आज आप ये एक किस्सा सुनिए जो कि इसी चौपाई से जुड़ा हुआ है। आप सभी कई प्रकार के कमेंट करते हैं ना, देखिए वीडियो आपको कई सारे मिल रहे हैं उपायों के हमारे चैनल में, और हर कोई लाभान्वित भी हो रहा है। वहीं कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि हमें परिणाम की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो उसके पीछे वजह क्या है? आज का उपाय तो मैं आप सभी को बताऊंगी ही, लेकिन उससे पहले ये किस्सा आप आज सुनिए। दोस्तों, ये आज से सिर्फ 2 से 3 दिन पुरानी ही बात है। मैं अपने एक किसी दोस्त की दुकान पर बैठी हुई थी और उन्होंने ही ये किस्सा मुझे सुनाया, और ये एकदम हकीकत बात है उनकी दुकान की। देखिए, उनके दुकान पर क्या होता है कि एक दिन कोई नग बेचने वाला आता है, क्योंकि उनकी जो दुकान थी वो सर्राफा की थी, यानी कि वे आभूषण बेचते थे जो कि स्त्रियां पहनती हैं, जैसे कि हार, नेकलेस, सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं वही वे बेचते थे, सोनार की उनकी दुकान थी। तो होता क्या है कि उनकी दुकान पर एक नग बेचने वाला आता है। नग अलग अलग कीमत के होते हैं, कोई 500, 1000, 2100, 5000, इस प्रकार से अलग अलग रेट के नग होते हैं। उन्हें पसंद आए और उन्होंने वे नग खरीद कर रख लिए। अगले दिन उनके पास नग खरीदने के लिए ही एक ग्राहक आता है जो कि पूछता है कि क्या आपके पास असली नग है। तो वे जिन्होंने कल उन्होंने जो नग खरीदे थे वे ही नग वो उनके सामने दिखाना शुरू कर देते हैं, और कीमत भी जो कम कीमत के थे वो उन्होंने दिखाए कि इस प्रकार से हमारे पास नग है, आपको जो पसंद आए वो आप ले लीजिए। तो वो जो ग्राहक नग खरीदने के लिए आया था उसने कई प्रकार से उन नगों की जाँच पड़ताल की, अच्छे से उन्हें देखा कि कहीं ये नग नकली तो नहीं। तब उसने बोला कि ये जो नग आपने दिखाए हैं वे सब के सब नकली हैं, मुझे ये नग नहीं खरीदने हैं। वो दुकान से चला गया, उसने कोई नग नहीं खरीदा। तब वहीं पर बैठे हुए दूसरे व्यक्ति ने कहा कि आपने उसे गलत तरीके से नग दिखाया, जिसकी वजह से ही वो आपसे एक भी नग खरीद कर नहीं लेकर गया। आपने जो नग 500-1000 रुपए के खरीदे थे, 2000 के खरीदे थे, आपको उन्हें सही कीमत बिल्कुल भी नहीं बतानी चाहिए थी, आपको उन्हें ही बढ़ा के बताना चाहिए था। अगर आप 500 वाले नग को 5000 का बताते तो वो इन नग को जरूर खरीदता, क्योंकि ये नग तो असली है लेकिन उसकी सोच असली नहीं थी। अगले दिन उसने बोला कि मैं फिर से उसी ग्राहक को लेकर आऊंगा और इस बार वो नग जरूर खरीद कर जाएगा। तब उन्होंने बोला कि ठीक है, इस बार मैं ऐसा ही करके देखता हूँ। अगले दिन फिर से वही ग्राहक आया कि इस बार मुझे आप असली जो नग है वही दिखाइएगा। तो इन्होंने भाई साहब ने बोला कि जी जी बिल्कुल, मैं नए नग, फ्रेश नग जो है मंगवा कर लाया हूँ और ये बिल्कुल असली नग है। उन्होंने उन्हीं नगों को दूसरे डिज़ाइन से, दूसरी पैकेजिंग में दिखाया और कहा कि ये 7000 का नग है, ये 10000 का नग है। उस ग्राहक ने फिर से उन्हीं नगों की जांच पड़ताल की सही और नकली के लिए, और इस बार उसने कहा कि जी हाँ, ये बिल्कुल असली नग है, मैं इन्हें खरीदूंगा, आप क्या मुझे इसमें थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हैं? तब उन्होंने उसी नग को जो उन्होंने 5 से 7 हजार का बताया था उन्होंने डिस्काउंट करके 5 से 4 हजार में बेच दिया, जो कि उन्होंने इतने कम दाम में खरीदा था। तो दोस्तों, ये थी आपकी सोच की बात। दोस्तों, आप कोई भी उपाय करते हैं अगर आप पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो वो काम करता है। वो जो नग खरीद कर लेकर गया उसने उनको पहना और वे एकदम असली रूप में काम करने लगे। आप कई प्रकार के नग पहनते हैं, अगर आपने अच्छी सोच के साथ पहना है तो वो सोच काम करती है। इसीलिए कहा जाता है कि जाकी जैसी भावना ताही मूरत रूप। तो ये किस्सा सुनाने के पीछे जो मेरा अर्थ छुपा हुआ था वो यही था कि अगर आप किसी भी उपाय को भगवान के ऊपर पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो वो 100% काम करता है। ऐसा क्यों हो रहा है कि 80% लोगों को लाभ मिल रहा है उपायों के द्वारा और 20% को नहीं मिल रहा है? क्योंकि 20% वे लोग हैं जिनके मन में संशय है कि क्या हमारे भगवान हमारी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, या फिर उनके मन में चोर
है, वे उपाय को पूरे मन से देखते नहीं है, करते नहीं है, बस किसी तरह कर देते हैं और उनको परिणाम नहीं मिलता। किस्मत चमकानी है तो थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा ना दोस्तों। आपको हमारे चैनल में हजारों उपाय मिलेंगे और हजारों लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। तो बिना देर किए आज का उपाय बता रही हूँ। मुझे यकीन है कि आपको आज के इस किस्से से पूरी तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी कि हम किसी भी चीज को, मंत्र को भी पहनते हैं या फिर कोई नग पहनते हैं या फिर भगवान की पूजा पाठ भी करते हैं तो कैसे हमें उस चीज की प्राप्ति होती है, कैसे हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। क्योंकि हमारे मन में सही चीज होती है, विश्वास होता है। जहां विश्वास टूटा वहां कोई भी चीज काम करती ही नहीं है, चाहे वो रिश्ता हो, उपाय हो, किस्मत हो या फिर धन दौलत क्यों ना हो। पैसा तभी काम आता है जब आप मेहनत करते हैं और किस्मत के लिए इन छोटे छोटे उपायों को करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को बताने के बाद अब हम चलते हैं मुद्दे पर। दोस्तों, बस चुपचाप रात को तकिए के नीचे इस 1 रुपए के सिक्के को रखकर आपको सो जाना है। ऐसी किस्मत खुलेगी रातों रात की आप सोच भी नहीं सके होंगे। दोस्तों, आप सभी को YouTube पर तकिए के नीचे ये रख लीजिए, वो रख लीजिए, बहुत वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन हमारे चैनल पर एकदम सटीक उपाय आपको मिलता है। दोस्तों, 1 रुपए का सिक्का आपका भाग्य बदल देगा। ये 1 रुपए का सिक्का आपको अपने तकिए के नीचे रखना है। अब ये कैसे रखना है, कब रखना है, क्या करके रखना है, कि आप सीधे तकिए के नीचे रखना है और आपका काम हो जाएगा, जी नहीं। इसके लिए पहले आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से, इस उपाय को सुने और उसके बाद अच्छे से करें। दोस्तों, हम सभी के जीवन में धन की कमी किस तरीके से हमें मजबूर बना देती है और धन दौलत का होना कितना जरूरी है, ये मुझे आप सभी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन में अगर धन की कमी हो जाए तो आपके अपने भी आपका रास्ता, घर का जो रास्ता है वो भूल जाते हैं। बात तक करना पसंद नहीं करते, फोन तक उठाना पसंद नहीं करते। जब समाज की बात हो तो कोई भी आपका साथ नहीं देता है, क्योंकि जीवन में धन के बगैर कोई अपना होता ही नहीं है। कहते हैं कि गरीब के जीते जी भी उसका कोई साथ नहीं देता है, और वहीं अगर कोई धनी व्यक्ति मर भी जाता है तो उसकी मृत्यु में भी सारी दुनिया शामिल हो जाती है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र भी कुछ इसी हिसाब से काम करता है, और अगर आप वास्तु के हिसाब से अपने कामों को करते हैं तो 100% आप अपने जीवन में कभी भी धन की तंगी से तो नहीं जूझेंगे। शास्त्रों में ये बात बताई गई है कि पैसा ही पैसे को खींचता है, धन ही धन को चुंबक की तरह खींचता है। अगर आप रातों रात धनी होना चाहते हैं और आप रात को 1 रुपए का सिक्का एक छोटा सा उपाय करके सोते हैं तो आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहेगी, रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी, आप धनवान हो जाएंगे। अगर आप अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, आपको लेना है 1 रुपए का सिक्का और उसे आप अपने ऊपर से 7 बार उतारा करेंगे। 7 बार उतारेंगे और ये काम आप बिना किसी को बताए करेंगे, किसी को भी आपको इस बारे में बताना नहीं है। उतारा करने के बाद आप इसे अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाइए, और सुबह में जल्दी आपको उठना है। सबके उठने से पहले आप उठ जाएं और इस 1 रुपए के सिक्के को ले जाकर अपनी जो मनोकामना है उसको बोलते हुए आप इसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर कोई शमशान जगह है तो वहां पर आप इसे फेंक सकते हैं। और अगर आप दोनों ही जगह नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर के ही तुलसी की जो क्यारी होती है उसके अंदर इस 1 रुपए के सिक्के को मनोकामना को बोलते हुए बस आपको गाड़ देना है। आप ये मान के चलिए दोस्तों कि ये जो काम आप कर रहे हैं वो 100% रिजल्ट आपको देता ही देता है। बस शर्त ये है कि आपको इस बारे में किसी को भी बताना नहीं है, और ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, 7ों दिन में से जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं तुरंत आप इस उपाय को करके परिणाम अपने पास रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर अलग अलग प्रकार के जीवन में जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनके उपाय के साथ ही आने वाले हिंदू धर्म के जो तीज त्योहार हैं उन व्रतों को
करने की विधि, उपाय, हर प्रकार की जानकारी आप सभी को हमारे चैनल तीज त्यौहार और धर्म पर आसानी से मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, हर जगह जरूर ही सेंड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल में जाकर आप अलग अलग परेशानियों के लिए भी उपाय देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।